सारे हैं वृंदावन धाम की जय। बाय बाय वृंदावन, हरे कृष्णा। चल आज अभी वृंदावन धाम को बाय बाय करते हैं और फिर अभी नेक्स्ट जर्नी के लिए निकलते हैं। अभी कहाँ जाना है तो इसके लिए देखते हैं, आप देखते रहिए। तो वृंदावन का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। हरे कृष्णा वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम। नमस्ते दर्शकों, तो अभी जो है सुबह हो चुकी है और हम वृंदावन से जो है दिल्ली एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो इसके पहले जो है हमें स्पेशल जगह चाहिए, तो स्पेशल जगह में जब हो जाएगा उसके बाद हम जाएंगे एयरपोर्ट, फिर उसके बाद जाएंगे। आपको मैं बताते चाहूँगा कहाँ 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 जाना है। तो ये है हमारा इस डे का ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप लोग जो है इस ब्लॉग को ला सकते हैं, मैं कहाँ पहुँचने वाला हूँ आज और कहाँ जाने वाला हूँ। वृंदावन में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, दर्शन लिया, आप सबने देखा होगा। तो अभी यहाँ पर भी आपको इस ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, यहाँ पर भी अलग अलग दर्शन करने को मिलेंगे। तो मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ दिल्ली एयरपोर्ट। तो देखिए ये है बाहर का नज़ारा। तो ये देखिए हम लाइन में खड़े हैं, अभी अंदर जाने वाले हैं और उसके बाद फिर आगे क्या होगा, मैं कहाँ जाने वाला हूँ ज़रा गेस करके बताइए आप लोग कि यहाँ से मैं कहाँ जाने वाला। शायद मैंने इससे पहले भी कुछ कहा था, बहुत ज़्यादा धूप है और मज़ा भी ज़्यादा आ रहा है, बहुत सारा अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मैं कहीं स्पेशल जगह जाने के लिए। अभी जो है हम लाइन में खड़े, आप देख रहे हो, देखिए ये मेरा लगेज है और यहाँ पे अभी मास्क लगाना पड़ेगा, कंपलसरी है। मेरे पास तो है ऑलरेडी, बस ऐसे ओढ़ लूँगा, मास्क तैयार हो जाएगा। तो चलो अभी अंदर जाते हैं। अभी जो हमारा जो है चेकिंग हो चुका है और ये है पास टिकट। तो क्योंकि जो है आज बहुत जल्दी उठे हम लोग, सुबह 2 बजे 3 बजे 2 बजे उठे और उस हमारी नींद भी पूरी नहीं हुई है, पूरा रात हमारा ऐसे ही गया। तो बहुत थके हुए थे, फिर गाड़ी में थोड़ा नींद ले लिया। बट हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आप सबके लिए जो है पूरा व्लॉग बनाऊंगा, जहाँ जहाँ मैं जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, जहाँ कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए यादें रहे, आपके लिए भी यादें रहे। तो मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो वृंदावन में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया और बहुत सारे दर्शन मिले, बहुत आनंद आया। और आगे जो है मैं जा रहा हूँ एक स्पेशल जगह पे, तो अभी ये स्पेशल जगह पे जा रहा हूँ। तो आप सभी के लिए जो मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग भी जो है हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और भगवान श्री कृष्ण की जो है भक्ति करते रहो। बस मैं यही प्रार्थना करूँगा। अभी बालकृष्ण प्रभु का फ़ोन कट चुका है, वो हमेशा बिज़ी रहते हैं क्योंकि वहाँ पे भी जो है भक्तों की सेवा करनी होती है, उन्हें समझाना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है।
तो वो बिजी रहते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जाते आगे। एयर इंडिया टू मी सूट, अरे वाह बहुत प्यारा सूट है। ये है ब्रांडेड बैग, इट्स वेरी नाइस ट्रैवलिंग। और ग्लासेस है, सनग्लासेस। और ये है वॉच। और ये क्या है, अरे वाह कितने क्यूट है देखो कैसे मजे ले रहे। और ये है वेटिंग एरिया, देख सकते हो कितना बड़ा है ये वेटिंग एरिया, वाह। देखिए अंदर जाने के लिए कितने एक्साइटेड है दादा, देखो दांत देखिए इनके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वो अंदर जाने के। हो इतने घंटे के बाद जो है हम लोग फाइनली बैठ गए हैं। देखिए अभी थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। और जैसे वादे के मुताबिक मैं आज आपको जो है पूरा जो है जो भी मैं चीज़ें करूँगा वो सारा चीज़ मैं दिखाऊँगी। देखिए ये है फ्लाइट के अंदर का नज़ारा। तो सब लोग जो है अपने अपने सीट पे बैठ रहे हैं, मैं बैठ चुका हूँ, जो नहीं बैठे हैं वो बैठ रहे हैं और आनंद आ रहा है। और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कैसे कैसे क्या है। तो देखिए ये मेरी चैंटिंग बैग है और मैं इसके साथ आनंद मतलब जो है सबके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करूँगा कि जो भी इस फ्लाइट में बैठे हैं सारे भक्तगण सारे लोग तो उनका जो भी यात्रा है वो सफल जाए, सुरक्षित जाए। और काफ़ी काफ़ी लोगों को फ्लाइट में बैठने से प्रॉब्लम होता है तो मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा। और आप लोग भी इसी तरह जो है एक दूसरे के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहिए क्योंकि जीवन में यही चीज़ है, जब भी हम दुख में रहते हैं तो हमें जो है दूसरों के लिए जो है एक निमित्त बनना चाहिए सुखी बनने का, क्योंकि भगवान जो है हमें इसी के लिए बनाया है। तो हम एक दूसरे की मदद करें और सबको जो है भगवान की भक्ति के बारे में बताएं तो मैं वो करूँगा ज़रूर। तो चलिए अभी बाहर का नज़ारा देखते हैं। ये है बाहर का नज़ारा, देख सकते हो, ये देखिए बड़ा प्यारा है देखिए कितने बड़े बड़े फ्लाइट है और अभी तक लैंड नहीं हुआ है, सब लोग बैठ रहे हैं ना। चलो देखिए ये सब लोग वेट कर रहे हैं, सब अपने अपने जगह पे बैठने के लिए।
तो अभी थोड़े टाइम में लैंड होगा। तो आप जब भी फ्लाइट में बैठते हो तो विंडो सीट के पास बैठो, वहाँ से वो जो बाहर का नज़ारा है बहुत प्यारा लगेगा। तो आज मैं आपको बाहर का नज़ारा भी दिखाता हूँ जो मुझे हमेशा अच्छा लगता है। देखिए कुछ लोग सो रहे हैं इंतज़ार करते करते और हमारे बालकृष्ण प्रभु जो है वो भी तैयारी कर रहे हैं अभी सोने की। देखिए उन्होंने लगा लिया अपना सोने वाला बैंड आँखों पे। चलो मैं भी थोड़ा सा सोने का प्रयास करो, पर नहीं, मैं वादे के मुताबिक आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अभी उड़ने वाला है, देखो ज़रा, वाओ एकदम स्पीड से उड़ रहा है, देख सकते हो। ये अभी रोड पे ही है और इतनी स्पीड है, अभी गुदगुली भी हो रही है पेट में बहुत आनंद होता है। अभी देखिए हो रहा उड़ रहा उड़ रहा, अभी ना पेट में गुदगुली हो रही है इस समय थोड़ा सा स्पेशल फील होता है। अब देखिए ले लिया है शन, वाओ ओ गुदगुली हो रही है, सीनरी है मस्त। ओ अब उड़ रहा है उड़ रहा है उड़ रहा है उड़ रहा है, थोड़ा 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 कम हो रहा है, आनंद आ रहा है बहुत ज़्यादा। देखो कितना सुंदर नज़र, अभी हम लोग आकाश में जा रहे हैं, अभी हम जो है एकदम ऊपर है। देखिए बिल्डिंग घर पेड़ पौधे कितने छोटे छोटे हैं और सब लोग जो है सो रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं और मैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, ये देखिए पूरा शहर है ये दिल्ली, देखो कितना छोटा छोटा दिख रहा है, देख सकते आप लोग। तो हम लोग पहुँच चुके हैं कोलकाता और कंफ्यूज है, मैंने जो है ना मैं थोड़ा सा सो गया तो पता नहीं चला कि कौन से लगेज कहाँ पे आने वाला है। तो मुझे सब पूछ रहे अभी लगेज कहाँ पे आने वाला है और मैंने बोला कि मैंने अनाउंसमेंट नहीं सुना कौन से नंबर पे तो चलो अभी लगेज के पास जाते हैं। हम पहुँच गए हैं, वेलकम टू कोलकाता। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कोलकाता और यहाँ से जो है कम से कम 3.5 से 4 घंटा लगेगा मायापुर जाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा लंबा है। जब हम पिछली बार गए तो थोड़ा कम लगा था, पर इस बार पता नहीं अभी प्रभु जिस तरह चलाएंगे उसके ऊपर निर्भर करता है तो चलिए सुंदर सा जगह माँ जी की आँखें हैं और वहाँ में लेके जाएंगे अभी उनके धाम श्री मायापुर धाम की जय। मायापुर धाम की जय। तो फाइनली जो है हम लोग पहुँच चुके हैं, ये है नज़ारा। तो ये सारा दर्शन मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं कल रात को बहुत ज़्यादा थक चुका था ट्रैवलिंग से, तो तब मैं आपसे बात नहीं कर पाया, बट मैं फाइनली आ चुका हूँ मायापुर। तो फिर आज का जो ब्लॉग है ख़त्म भी करते हैं और यहीं से शुरुआत भी करते हैं। तो जो हमारा वृंदावन से लेके मायापुर तक का जो जर्नी था वो मेरा समाप्त हो चुका है, अभी हम आज सीख नया ब्लॉग शुरू करते हैं। तो चलो नया ब्लॉग के लिए मिलते हैं, आप देखते रहिए नया ब्लॉग। बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा।